अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द आफिया सलाम शो। आज मेरे शो में मेरे साथ मेहमान हैं नासिर पंवर साहब, जो कि प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं WWF में, और जिस प्रोग्राम को वो कोऑर्डिनेट कर रहे थे उसका नाम है इंडस फॉर ऑल। ये फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द शो। आप हमें बताएं कि इंडस फॉर ऑल का क्या प्रोग्राम था, किसके साथ, किसके इश्तराक से आपने किया, इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? जी, बुनियादी तौर पर WWF ने ग्लोबली कुछ इको रीजन्स आइडेंटिफाई किए थे जो कि इकोलॉजिकली सिग्निफिकेंट इको रीजन्स कहलाते हैं। उसमें पूरी दुनिया में 200 प्लस इको रीजन्स की निशानदेही की गई, और उन 200 प्लस इको रीजन में से 40 ऐसे इको रीजन्स थे जिनको तरजीहाती बुनियादों पर लिया गया या शामिल किया गया। पाकिस्तान में इस तरह के 5 इको रीजन्स हैं, जिसमें से 4 इको रीजन्स ऐसे हैं जो ट्रांस बाउंड्री हैं, जो हमारे करीबी पड़ोसी ममालिक के उनसे हम शेयर करते हैं। इंडस इको रीजन जो है वो वाहिद इको रीजन है जो कि सूबह सिंध का तकरीबन 65% जो इलाका है उसको कवर करता है, ऑलमोस्ट मतलब इंडस रिवर के दोनों तरफ, राइट बैंक राइट और लेफ्ट की तरफ। तो इसका जो 50-year वीएन हमने इंडस फॉर ऑल और WWF ने हुकूमत सिंध और बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ मिलके 2002 और 3 और 4 में ये प्लानिंग फेज़ था हमारा, जिसमें हमने इसका 50-year वीएन डेवलप किया और उसको फिर बाकायदा जो बाहर के जो बाकी इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं फोरम्स हैं उनसे भी रिव्यू किया और उस पर फीडबैक इनपुट कर फाइनलाइज़ किया, और ये इंडस फॉर ऑल प्रोग्राम का पहला जो फेज़ था। और इस इंडस इको रीजन में जो जैसे मैंने कहा कि पूरा जो वीएन है उसमें कोई 14 साइट्स या मकामात हैं जहाँ पे जो आइडेंटिफाई किए गए एज ए सेंसिटिव विद इन इंडस इको रीजन। और इंडस फॉर ऑल फ्रॉम फेज़ 1 जो था उसमें 4 ऐसे मकामात लिए गए जो उसमें इन डेप्थ काम करना था, जिसमें ज़िला ठट्टा में जो कोस्टल हमारा इको सिस्टम है उसमें कैटी बंदर शामिल है, और फ्रेश वाटर वेटलैंड में किंजर झील शामिल है। इसी तरह ज़िला सांगढ़ में चोटियारू वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है जो कि एक अगेन बहुत यूनिक है। ये नेचुरल है या मैनमेड है? ये नेचुरल वेटलैंड्स हुआ करती थी, इसको फिर बाद में रिजर्वायर की शक्ल दी गई। अच्छा। जी हाँ, लेकिन ये एक बहुत यूनिक है, इनको एरिड वेटलैंड्स हम कहें। एक तरफ सहरा, हाँ सहरा है, एक तरफ इरीगेटेड और ग्रीन बेल्ट है। तो उस हवाले से ये चोटियारू रिजर्वायर भी बहुत एक सिग्निफिकेंट वेटलैंड है। और दूसरा ज़िला शहीद बेनजराबाद जो पहले नवाब शाह वाला था, वहाँ पे पई फॉरेस्ट है जो कि किसी ज़माने में ज़ाहिर है वो रिवराइन फॉरेस्ट कहलाता था, लेकिन अब वो इरिगेटेड प्लांटेशन या फॉरेस्ट। अच्छा, ये वही फॉरेस्ट है मेरे ख्याल में जो कि जब एक ऑपरेशन किया गया था डाकू के खिलाफ तो यहाँ पे काफ़ी तबाही फैलाई थी। वो तो ऑलमोस्ट पूरी सिंध में जहाँ पे भी लॉ एंड ऑर्डर के बुनियादों पर जो है फॉरेस्ट की तबाही की गई है, ये अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि बजाय इसके के जो असल रूट काज है उनको एड्रेस करें हम जो है फॉरेस्ट की जो नेचुरल वे आग लगा दी गई थी। और हमारा पाकिस्तान का ये भी मैं यहाँ जल्दी से बताने चलूँ कि दुनिया भर में रेकमेंडेड फॉरेस्ट कवर जो है वो किसी भी मुल्क के रकबे का 25% है, हमारा बमुश्किल 4.3 है, वो भी ऑफिशियल फिगर है। एक्चुअली वो जो एरिया है वो 4.5 है, उसके अंदर क्या है या नहीं ये बहुत डिबेटेबल चीज है। और उसके ऊपर मजीद ये कि उन्होंने जब डाकुओं को पकड़ने की कोशिश की तो उसमें इस तरीके से कोशिश की गई कि जो जंगलात हैं उनको आग लगाई गई थी। तो इन चीज़ों की आगाही भी बहुत ज़रूरी है, जो पॉलिसी मेकर्स की नज़र से उछल रहते हैं, लेकिन आप चूंकि इस मुल्क के यूथ हैं और एक एजुकेटेड तबका है तो आपका काम है कि इन चीज़ों पर नज़र रखें और इनको क्वेश्चन किया करें, आप हर मूव को क्वेश्चन करें। जी, तो दूसरा जो आपका सवाल था कि इसका मकसद क्या था, तो इसका मकसद ये था कि कम्युनिटी थ्रू कम्युनिटी बेस्ड या कम्युनिटी के इन्वॉल्वमेंट के साथ किस तरह नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट को इम्प्रूव किया जाए, लेकिन साथ साथ लोगों का लाइवलीहुड भी इम्प्रूव हो, क्योंकि हम सिर्फ अगर नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करेंगे और लोगों का लाइवलीहुड को एड्रेस नहीं करेंगे तो ये एक इसका अहम और मरकजी जो ख्याल था या कंसेप्ट था इसका ये था। और दूसरा इसका और ये था कि जी अवेयरनेस रेजिंग, वो भी एक इसका अहम मकसद था, और पॉलिसी लेवल पे भी स्टेक होल्डर्स को जो एंगेज करना है डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को, और पावर्टी इन्वायरमेंट जो नेक्सस है उसको भी किस तरह हम डेमोंस्ट्रेट करें और लिंक करें, और क्योंकि ये नए कॉन्सेप्ट्स हैं पाकिस्तान में। जी बिल्कुल। और इनको किस तरह हम एक्चुअली दुनिया भर में ये ऐसा ऐसी रियलाइजेशन आई है, और जो हम जैसे अंडर डेवलप्ड और गरीब मुल्क है वहाँ तो इन चीज़ों की तरफ तवज्जो बहुत बाद में जाती है। तो इसका हमने इन चारों साइट्स पे एक हमारा बहुत एक्सटेंसिव जो है सोशल
मोबिलाइजेशन का प्रोग्राम था कि लोगों की कम्युनिटी जो कम्युनिटीज़ हैं पहले तो उनको हम ऑर्गेनाइज़ करें इन द फॉर्म ऑफ कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो वो जो मकामी तंजीमें हैं अभी चारों साइड्स पर तकरीबन 42 जो हैं CBOs हैं वो काम करती हैं, और अभी जो है उनको हमने 4-5 साल में इन डेप्थ जो है मुख्तलिफ फील्ड्स में कैपेसिटी बिल्डिंग की है, ट्रेनिंग्स दी हैं ताकि वो खुद अब नाउ दे आर इंडिपेंडेंट रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन, और वो उन्होंने अपने नेटवर्क्स भी बनाए हैं। जैसे किंजर में अगर हमारी 9 CBOs हैं तो उन्होंने किंजर कंजर्वेशन नेटवर्क के तौर पर नेटवर्क बनाए और नेटवर्क बनाए उन तंजीमों का, और वो अलग रजिस्टर्ड हुए हैं। क्योंकि जो डेवलपमेंट में हम बात करते हैं तो ज़ाहिर है सिर्फ WWF या इंडस फारा नहीं, और स्टेक होल्डर्स भी हैं। तो हम चाहते हैं कि ये एक वहाँ पे सोशल इंस्टीट्यूशंस कायम हो कि कल कोई भी इदारा चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो इन इलाकों में जाए तो उनको एक तैयार जो है सोशल इंस्टीट्यूशंस के सूरत में वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर मिले। तो इस हवाले से भी हमने सोशल मोबिलाइजेशन की है और उन तंजीमों के साथ काम किया है। साथ साथ में हमने अल्टरनेट एनर्जी को प्रमोट किया है जिसमें सोलर है, विंड है, और इसके साथ साथ बायोगैस है। क्योंकि आपको पता है कि रूरल एरियाज में जैसे आपने कहा कि फॉरेस्ट है नहीं, लकड़ी इतनी महंगी हो गई है और फायर कीमती है, उसको बचाना बहुत जरूरी है, और फायरवुड ज़ाहिर लोगों को चाहिए तो उनकी भी जरूरत है। तो बायोगैस एक ऐसी चीज है जो कि हर घर में माल मवेशी मौजूद है, तो गोबर जो है उसका असल सही यूज करने के हवाले से हमने बायोगैस को प्रमोट किया है, और अल्टरनेट एनर्जी में जैसे मैंने कहा कि सोलर और विंड को भी हमने प्रमोट किया है। और दो अहम जो हमारे इनिशिएटिव्स थे कि हमने किंजर और चोटियारू में अपनी नौयत के पहले कंजर्वेशन और इंफॉर्मेशन सेंटर वहाँ पे इस्टेब्लिश किए हैं। क्योंकि वहाँ पे बजाय ये कि जो टूरिस्ट जाता है वहाँ पे झील की या वेटलैंड की बजाय उसको अप्रिशिएट करे और इससे इस्तेफाद हासिल करे, वो खुद पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करते हैं अनफॉर्चुनेटली। और ये तो, बहुत बड़ा मसला है दुनिया भर में कि टूरिज्म की वजह से पोल्यूशन बहुत फैल रही है, इसीलिए वो इको टूरिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो प्रमोट किया जा रहा है। तो इसलिए वहाँ पे हमने काफ़ी इवन जहाँ पे मेजर टूरिस्ट स्पॉट्स थे वहाँ पे हमने इवन डस्टबिन भी लगाए लोकल गवर्नमेंट के इश्तराक से, वहाँ पे उनका डिस्पोजल का भी इंश्योर किया। और ये जो इंफॉर्मेशन सेंटर है ये एक मल्टीपर्पज़ है एजुकेशन के हवाले से, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं या रिसर्चर्स हैं उनके लिए ये एक अपनी नौयत का किंजर और चोटियारी में पहले इंफॉर्मेशन सेंटर्स बनाएं। दूसरा जो पॉलिसी लेवल पे हमने अहम काम किया है वो ये कि हमारे दो अहम कवानीन हैं सिंध में, एक तो सिंध का जो फॉरेस्ट एक्ट है 1927 का बना हुआ है, उसको हमने सिंध गवर्नमेंट के इश्तराक से उसको रिविजिट किया है क्योंकि अब ग्राउंड रियलिटीज आ रहे डिफरेंट हैं। और दूसरा वो जो फॉरेस्ट एक्ट है 1927 उसमें हमने देखा कि प्यूनिटिव साइड ज़्यादा है कि अगर ये कर देंगे तो आपको ये सजा मिलेगी, ये करेगी, इनक्रेजमेंट या इंसेंटिव बेस्ड जो लॉ है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो वो हमने अब तकरीबन आखिरी मरहला शॉक एंड ऑ की ट्रीटमेंट हो रही है वैसे नहीं। हाँ, तो ये फॉरेस्ट एक्ट का जो एक मेजर हमारा 1927 का बना हुआ वो हम उसको रिविजिट हमने कर रहे हैं और अभी हम सिंध असेंबली में उसको ले जाएंगे। और इसी तरह जो दूसरा हमारा है सिंध वाइल्ड लाइफ जो ऑर्डिनेंस है वो है 1972 का, 1972 का, उसको भी हमने जो है रिविजिट किया है, और वो सारा कंसल्टेटिव प्रोसेस के साथ हुआ है और उसमें जो तमाम स्टेक होल्डर्स थे उनके साथ मशावरत पॉलिसी डायलॉग वगैरह आपने मशावरत किए, उनका इनपुट लेके फिर जो है उसको टेक्निकली देके, और वो भी हम सिंध असेंबली में करेंगे। और इसके साथ साथ हमारा एक और इनिशिएटिव था स्माल ग्रांट्स प्रोग्राम का जिसको हम पार्टनरशिप फंड कहते थे, उसमें भी हमने तकरीबन 30 प्रोजेक्ट्स जो थे वो हमने फंड किए हैं इन दी कंजर्वेशन सेक्टर और NRM सेक्टर, लाइवलीहुड सेक्टर। और उसमें हमने कोशिश की है कि न सिर्फ लोकल CBOs NGOs लेकिन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को भी सपोर्ट करें, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से वाकई बहुत सपोर्ट की, ट्रेनिंग की जरूरत है उनको करें, और साथ साथ यूनिवर्सिटीज़ को भी ये एक विंडो हमने रखी थी कि उनके भी अगर कोई प्रोजेक्ट्स हों तो उसको भी हम सपोर्ट करें। तो ये समाज ये पूरा आपका ये इसका टोटल ओवरव्यू है इस प्रोग्राम का। और यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि इस प्रोग्राम के बारे में भी हम आपको मज़ीद आगाह करेंगे, लेकिन ये वो प्रोग्राम है जैसे इन्होंने कहा कि इसमें बहुत से स्टेक होल्डर्स भी हैं, इसमें स्टूडेंट्स को भी इन्फॉर्मेशन के लिए इन्होंने मौका दिया है, नेचर क्लब्स बना सकते हैं, आप खुद देखिए कि आप किस इलाके में रहते हैं, आपके करीब तरीन वहाँ पर कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर आप माहौल की बेहतरी के लिए किसी इदारे के साथ शिरकत मतलब अपना 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 हिस्सा डाल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ हम हुकूमत पे नहीं छोड़ सकते या किसी बड़े इदारे पे NGOs पे नहीं छोड़ सकते, माहौल हम सब के लिए है और इसकी बेहतरी के लिए हम सबको काम करना होगा। तो आप
हमें फीडबैक दीजिए कि हम इस प्रोग्राम के साथ साथ आपको उस वेबसाइट का लिंक भी दे रहे हैं जिसमें WWF के इस प्रोग्राम के बारे में आपको मज़ीद मालूमात मिलेंगी। आप जाइए उस वेबसाइट पे और स्पीक फॉर चेंज के फोरम पे भी आप हमें बताएं कि आप अपना हिस्सा कैसे इस माहौल की बेहतरी के लिए डाल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू।